हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, 5, 6, 7 दिनों के लिए आपके लिए क्या प्लानिंग करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। ये कहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर ये रीडिंग देखें, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ मैच होंगी। अरे वाह, जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। अच्छे से शफल कर कार्ड लेंगे। चलो यहाँ से ये दो कार्ड्स आए हैं, इनको देख लेते हैं। वाओ, द वर्ल्ड एंड द टावर, दोनों मेजर खाने से कार्ड्स हैं। टावर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, और नाइट ऑफ कप्स। बहुत क्लियर एक मैसेज मुझे अभी अभी मिला इन कार्ड को देखकर। हेरोफेंट, टॉरस और लियो तो बहुत स्ट्रांग है, इसके बाद स्कॉर्पियो, एरीज, इक्वेरियस, सैजिटेरियस। टॉरस तो है ही यहां पर। कार्ड आना था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार्टिंग में सबसे पहले यही कार्ड गिरा था, बट मुझे शफल करने थे ना कार्ड, इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके, एट ऑफ वांड्स। ठीक है, कार्ड्स आ गए आपके लिए। वाओ एम्परर, ये कार्ड सच में बहुत पावरफुल है और इसको आना ही था इस कार्ड को। तो सबसे पहला मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से है, जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, वो ये है कि जब आपको ना खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपने कुछ नॉलेज गेन की है, एक्वायर की है, ठीक है, गेन की है, हासिल की है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप अपने बिहाफ पर, ठीक है, अपने दम पर बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छी लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ नॉलेज और रिसोर्सेज अब हैं। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है ना, भगवान उसका साथ छोड़ते नहीं है कभी भी। और आप मुझे लग रहे हो बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करते हो, मेहनत में बिलीव करते हो, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आपने बनाई हुई है। इवन आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है, इवन राइट नाउ भी आप बहुत सारे चैलेंजेस अपने साथ लेकर बैठे हुए हो और उनको ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर। तो ऐसे लोगों को तो मैं सच में बहुत ही महान मानती हूँ, जो इतनी मुश्किलें होने के बाद भी रुकते नहीं हैं, आगे ही बढ़ते हैं लाइफ में। आपकी लाइफ में क्लियर दिख रहा है इस टाइम, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ तो बातें हैं आपकी मन में, आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल इश्यूज जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बट आपके पास तो रास्ता है इन परेशानियों को क्लियर करने का। लव लाइफ भी आपकी ठीक नहीं है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो देखो यूनिवर्स, तो मुझे आपके लिए आपकी लाइफ में राइट नाउ जो ट्रिगर्स आए हुए हैं, यूनिवर्स उनको कम करने की आप ही के साथ कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो यूनिवर्स भी साथ साथ गुड लक भेज रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ से धीरे 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 नेगेटिविटी ख़त्म की जा रही है। ये आपके एफर्ट्स की वजह से भी है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से भी है। यूनिवर्स अगर टावर मूवमेंट है तो यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। बस यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ भी रिवील ना करें तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अभी तक जितना रिवील कर दिया अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब तक जो कर दी आगे से मत करना, ठीक है। आपके पास विजडम आ रहा है, आपके पास नॉलेज आ रही है, आपके पास गुड लक आ रहा है, आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट आ रहा है, आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ से। पता है कि आप बहुत शिद्दत से काम कर रहे हो, बहुत मन से काम कर रहे हो, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ है ना यूनिवर्स को ना मजबूर कर रही है कि वो आपको ब्लेसिंग्स भेजें।
ठीक है, जब हम एक चीज को बहुत ध्यान से करना शुरू करते हैं तो एक एक पल में हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन इतनी परेशानियों में आप जी पा रहे हैं, अपनी परेशानियों से लड़ पा रहे हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है? बड़े बड़े गिवअप कर चुके हैं आप, कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स का भी सपोर्ट है और आपकी हिम्मत है, ठीक है? तो आने वाले टाइम में देखो गाइज, आपका कोई एक बड़ा टारगेट अचीव हो रहा है, आपको ऑनर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, गुड लक आपकी लाइफ में। ऑलरेडी डिवाइन लेकर आएंगे, यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपका गुड लक भेज रहे हैं, बिल्कुल। आप देखेंगे आने वाले टाइम में आप जो काम, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, रुकावटें नहीं आएगी आपके काम में, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। दूसरा है, जैसे आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर, खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई ऑनरशिप आ रहा है, आपको एक बहुत अच्छी पद्धति मिलने वाली है, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में आप देख रहे हैं एक अथॉरिटी की पोजीशन आपको मिलेगी, आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। जिस भी प्रोजेक्ट में या किसी भी आप काम में बिजी हैं, जो भी आप काम मैनिफेस्ट या कोई भी एक चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझको ये हासिल करनी है, अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आई हुई हैं, तो यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रहे हैं आने वाले टाइम में इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में, पूरा का पूरा साथ देंगे। आप बिलीव करिए यूनिवर्स पर, खुद पर बिलीव कीजिए, आपका गुड लक स्टार्ट हो रहा है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि फॉर्चून और अबंडेंस दोनों ही लेकर आ रहा है आपके लिए, और आपकी जो आगे बढ़ने की जो हिम्मत है वो बहुत यूनिक है, आप बहुत स्पेशल हैं जो आप इतना आगे तक आ गए हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, लव लाइफ आपकी टोटली यूनिवर्स के हाथों में है, क्योंकि इसी कार्ड के नीचे ये कार्ड है यहाँ पर, और लव लाइफ अभी आपके डिस्टर्ब है, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, सब्र रखें लव लाइफ में, तो पक्का सब्र रखें, क्योंकि ज़रूरत है आपको सब्र रखने की, ठीक है? सब्र रखें, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है, गुड लक आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में पर भी इसका थोड़ा तो इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो जितना हो सके पेशेंस के साथ मैनिफेस्ट करते रहिए, गुड लक आपके साथ बहुत जल्दी आएगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स की प्लानिंग ही है कि अब वो आपकी लाइफ से जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो एक एक करके हटाने में आपकी मदद करेंगे। इवन अभी बचे हुए हैं ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, और आपको इनको ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लेने हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, और साथ में यूनिवर्स का सपोर्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स सी मोर। और क्या यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं? वर्कहॉलिक यूनिवर्स कह रहे हैं आप काम करते रहो, रुकना तो है नहीं, आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है, काम ही करना है। कंफ्यूजन काम करने से ही दूर होगी। यूनिवर्स आपको कुछ टास्क दे रहे हैं जिसको आप परफॉर्म करेंगे और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। फेथ रखिए, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी गाइस, फेथ रखिए, ठीक है? हो सकता है अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं तो न्यू मून पर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। फेथ रखें आप। और जितने लोगों से शिकायतें हैं आपको, उन सबको माफ़ करते चलें, तो ये ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं, ये भी हट जाएंगे और प्रॉपर गाइडेंस आपके पास पहुंचेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और प्रार्थना करते रहिए, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, किसी तरह का गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी प्रार्थना में बिलीव कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डिवाइन कहीं ना कहीं टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं आपका, ठीक है? बट अगर फेथ है तो आप इस टेस्ट में पास हो सकते हैं, ठीक है? आपका गुड लक आपके साथ है, आप अच्छे से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही भेज रहे हैं। क्लियर है गाइस, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, ये दो कार्ड तो इतने पावरफुल हैं, आपको खुद पर भी बिलीव करना चाहिए कि हाँ, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, ठीक है? इस तरीके से बोलो खुद से, आप कर सकते हो, आप आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, आप कर सकते हो, और अब तो यूनिवर्स का भी सपोर्ट है आपको, आपको खुद को भी फील होता होगा ना ये, तो कि मुझे बहुत मदद मिलती है, भगवान मेरी बहुत मदद करते हैं, ये तो आपको भी फील होता होगा। अगर फील होता है तो आपको लिखना चाहिए कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता है ना, भगवान उसकी मदद करने हमेशा आते हैं।
थोड़े प्रॉब्लम्स हैं अभी आपकी लाइफ में, लेकिन डोंट वरी, ये प्रॉब्लम्स खत्म करने में अब आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो आपके एफर्ट्स प्लस यूनिवर्स का सपोर्ट जब मिल रहा है ना, आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपके सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। एकदम से तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती जाएगी। ठीक है, देखो आपका हार्ट चक्रा मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा, आप बहुत ज़्यादा ना सैड एनर्जी में लग रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, बहुत मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट एक सा फील कर रहे हो कुछ दिनों से। बट डोंट वरी, लव लाइफ में भी विक्ट्री ही आनी है एट दी एंड। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है लव लाइफ को भी लेकर, क्योंकि देखो जितना काम करोगे, जितनी हीलिंग करोगे, उतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आप में आते जाएंगे, और ये इम्प्रूवमेंट्स ही आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देंगे। और आप कोशिश भी कर रहे हो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने की, तो डोंट वरी, अपने ऊपर ट्रस्ट तो करके देखो, आप यूनिक हो, स्पेशल हो, इस बात को मानकर आगे बढ़ो। ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी आगे आके भी अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, खुद को परेशान करोगे, तो फिर तो आप गलती कर रहे हैं ना, तो गलती नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से मैनिफेस्ट करना है, और आप कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। ठीक है, बी असर्टिव इस टाइम, सबसे अच्छे से बात कीजिए, पॉजिटिव रहिए, असर्टिव रहिए। ठीक है, और लोगों को माफ करते हुए चले, रिकवरी बहुत स्पीड में हो रही है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करके चलिए, अभी ये चीज आपसे कह रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो वेट का कार्ड तो आया है, और ये वेट मुझे और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ के लिए दिख रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा वेट, लोगों को माफ करिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए। ठीक है, कोई गिले शिकवे मत रखिए, रिकवरी हो रही है, आपको नहीं दिख रही लेकिन हो रही है रिकवरी। ठीक है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब सारी चीजें अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में। अपनी इंट्यूशन को सुनोगे तो इंट्यूशन बता देगी आपको कि यस, रिकवरी हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है आपको। ओके, कंक्लूजन आर विद इन रीच, कंक्लूजन जल्दी आ रहा है आपके पास, बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो अभी कुछ प्रैक्टिकल प्लान बनाओ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। एट द एंड तो विक्ट्री आ रही है आपके पास, बिल्कुल विक्ट्री आ रही है गाइज, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ठीक है, विक्ट्री यूनिवर्स लिख रहे हैं आपकी लाइफ में, और हमारे पास विक्ट्री का कार्ड भी आया है, ये रहा कार्ड, विक्ट्री का कार्ड। ठीक है, और विन विन आउटकम का कार्ड यहाँ से आ गया, यस बिल्कुल, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में सच में विक्ट्री ही प्लान कर रहे हैं। आप इस बात पर फेथ रखिए, इस बात पर गाइस बिल्कुल फेथ रखिए कि ये विक्ट्री आपकी है, विन विन आउटकम आपके लिए बन रहा है, आपकी मेहनत की वजह से बन रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से बन रहा है। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, आप 3-4 दिन बाद ही देखना आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको चेंजेस दिखेंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, क्योंकि आपका गुड लक आ रहा है आपके साथ। ओके, सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।